हमारी आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा का आज है आखिरी दिन और गुंजी को आज हमें ना चाहते हुए भी अलविदा कहना होगा। और ये प्यारे से टेंट्स बहुत ज़्यादा याद आएंगे यार, और गुंजी की ये वादियाँ, इनका तो क्या ही कहना भाई, तुम सपनों में आओगी। यहाँ पर हम लोगों की साइकिल्स की पैकेजिंग चल रही है, और साइकिल की पैकेजिंग करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि आते वक्त बहुत सारे डेंट आए थे, ट्रक में लेके आ गए थे। लेकिन ये जो भैया हमारी साइकिल्स लगा रहे हैं, ये है MTB वेंडरर नाम से इंस्टाग्राम पे, जो टिप्स देते हैं, और इन्होंने इस तरीके से हमारी साइकिल्स लगाई कि सच में एक भी डेंट नहीं आया साइकिल में। तो परफेक्ट पैकेजिंग के लिए इंस्टाग्राम पे MTB वेंडरर मैं रिकमेंड करता हूँ। और एक और नए कैरेक्टर से मिली, ये है कब्बू भाई, जो है सिंगर और हमारे आज के ड्राइवर। बत्ती से मर जाएगा गलती से, गायब तू धरती से चलता है सिर बोले ये भेड़े भी बहुत याद आएंगी यार। भेड़ो तुम भी हमें याद करोगे ना? थैंक्स यार, करेंगी बोल रही है। ये सीता पुल जो कि इंडिया और नेपाल जगह पर रुके हुए हैं, यहाँ पर हम लोगों का लंच को पैक किया है। बहुत ही अच्छी लोकेशन, लंच चल रहा है। ये है आलू और पूरी, आलू पूरी लंच में पैक किया हुआ है। यहाँ पर अपने ड्रोन को हाथ में लैंड कराने के चक्कर में मैंने पहली बार फटका खाया, और नाखूनों में जो जबरदस्त लगी क्या बताऊँ। एक प्यारी सी जगह पर मैं रुका हूँ आपको एक अनोखी सी चीज़ दिखाने के लिए। यह है सी बकथॉर्न, आपने शायद नाम सुना होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, एजिंग से फाइट करता है, स्किन और हेयर के लिए अच्छा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गांव वगैरह में इसका यूज करते हैं हेल्दी डाइजेशन के लिए। तो बहुत जल्दी मैं इसको अपने प्रोडक्ट रेंज पहाड़ वाला में शामिल करने वाला हूँ, और एज ए जूस इसको मैं शामिल करूँगा। ये ड्राइवर कब्बू भाई हमें ला चुके हैं अपने घर धारचूला से 8 किलोमीटर की दूरी पर धामी गांव, जहां पर एक नेचुरल आटा चक्की और साथ ही एक स्टीम से बना हुआ नेचुरल पॉन्ड, जहां पर हम लोग थोड़ी देर नहाएंगे और मस्ती करेंगे। तो एंजॉय करिए यहां के शॉट्स। कल रात तकरीबन 9 बजे हम लोग पहुंच गए थे पिथौरागढ़, और आज है हमारा रेस्ट डे। आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आज हमें DM ऑफिस बुलाया गया था, वहाँ पर हम लोगों को मोमेंटोस दिए गए, सभी को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, सभी ने अपने अपने सजेशंस दिए, और साथ ही हमारा आज का लंच भी DM ऑफिस में ही था। और हमने सभी लोगों को अलविदा किया, कुछ अच्छी अच्छी बातें हुई, सभी ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, और साथ में हुआ बहुत सारा हंसी मजाक। बिल्कुल सही है। आज सुबह सुबह माँ गुरना मंदिर में मत्था टेक के हम लोगों ने अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत कर दी, क्योंकि सभी लोग बस में गए हैं, पर हम लोग जाने वाले हैं अपने घरों तक अपनी साइकिल से, और इसके लिए शायद 2 या 3 दिन लगेंगे, पर वो मज़ा कुछ और ही है ना, क्योंकि साइकिलिंग का अब नशा चढ़ चुका है। Oh, my God.
होंगा व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट। अभी हम घाट नाम की जगह से कुछ ऊपर लंच के लिए रुके हैं और ये है आपके सामने पंचोला, जो कि एक नॉन वेज डिश है। मैं तो हूँ वेजिटेरियन, पर दिखाना सब कुछ मेरा काम है। तो ये बकरी की इंटेस्टाइन से बनता है और इसमें मसाला वगैरह मिला के इस तरीके से इसको तैयार किया जाता है, कुछ अचार की तरह हो जाता है ये। कल रात जागेश्वर में पुष्टी माता होम स्टे में रुकने के बाद हम लोग अभी निकल गए हैं अल्मोड़ा के लिए, और अल्मोड़ा में कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है ऐसा हमें हमारे साथ में जो भरत शाह जी हैं उन्होंने बताया है। तो अभी ये पनवा नौला बाड़ेचीना यहाँ की मार्केट से गुजरते हुए हम लोग निकल रहे हैं अल्मोड़ा के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के कल्चरल टाउन अल्मोड़ा में, और यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। यहाँ के एमएलए और अल्मोड़ा किताब घर के ओनर कई सारे लोगों को हमारे स्वागत के लिए लाए हैं, और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए होटल में एक रूम भी हमारे लिए बुक किया हुआ है। मैं जब भी आता हूँ अल्मोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अल्मोड़ा मैं एक बार फिर आऊँगा तुमसे मिलने बहुत जल्दी।